हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन बाद जो है कि वीडियो बनाई जा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी क्या चल रहा है, हम लोग का थर्ड प्रॉप चल रहा है, मतलब आने वाला है, कल से है। तो फाइनल ईयर में तो मौका मिलेगा नहीं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में बना नहीं पाया, तो सोचा कि आज ही बना लेते हैं। और सुबह से बैठ के पढ़ ही रहा है। कल जो पहला पेपर ऑप्थेल्मोलॉजी का है, और जितना हो सका अपने तरफ से किया गया है। तो हेमंत बताएगा कि मतलब क्या हाल होता है हम लोग का एग्जाम के टाइम में। अभी मतलब कितने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं वो बताएगा, तब तो आपको हो सकता है ज़्यादा विश्वास होगा। लोग क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बस घूमता रहता हूँ। कितने देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, कब से? 8 बजे से बैठे हैं, नाश्ता किए हैं 10 बजे, फिर 12-1 बजे तक पढ़े हैं, फिर नहाए धोए हैं। वही हो रहा है कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं भूले जा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ जा रहे हैं भूले जा रहे हैं, ये हो जा रहा है। अब कल देखते हैं पेपर कैसा होता है। कैसा लग रहा है तुमको? बस फटी पड़ी है। अच्छा, सबसे डर तुमको ज्यादा किस में लग रहा है? चार सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा डर किस में लग रहा है? FMT फॉरेंसिक में। तो दोस्तों, मैं आपको अगर सच में बताऊं तो मैं पिछले मंगलवार को निकला था रूम से बिरयानी खाने। फिर उसके हमें बाद मेरा को काट सीधे देना साले, लगभग एक झाड़ू हफ्ते बोल रहा बाद हूँ। जो है कि मैं आज रूम से बाहर निकला हूँ अपने। केवल मेस में जाता था खाना खाने, आज एकदम जो मैं परेशान हो चुका था, तो एक हफ्ते बाद रूम से निकला बाहर घूमने खाने के लिए। तब जाके थोड़ा सा दिमाग सही हुआ। अब जो है कि कहता है, मैं पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी खुद भी फटी रहेगी, तो इसलिए मैं बस केवल दिखाऊंगा कि सुबह में मतलब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मतलब क्या सीन रहता है। तो गाइज, इस टाइम बज रहे हैं रात के जो है कि लगभग 1:30, और अब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसपे सारी चीज़ें मिक्स होने लगती हैं। आप कुछ भी पढ़ेंगे, सारे जो है सिम्टम साइन सब एक ही में मिक्स होने लगते हैं। तो उस स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो ऐसा निर्णय लिया गया है कि अब जो है विश्राम किया जाए, सुबह जो है कि देखा जाएगा जो होगा। और मैं आपको पॉली तब सोया जाए, हाँ भाई चलो सोते हैं। 8:30 बजे का अलार्म लगाया था और 7 बजे खुद ब खुद जो है कि नींद खुल गई। तो कुछ देर जो है कि इधर उधर करके कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक मैंने देख लिया, और अब जल्दी से नहा के अब चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे हॉस्टल। और हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, यहीं पे हम लोग का एग्जाम सेंटर आ गए। दया बस कर दो अब, बस कर दो अब, माइंड नहीं, फोटो फोबिया मान ली, सेफ जोन में चलो, पता लगे कोई और नहीं। देखो, फोटो फोबिया लैक्रिमेशन बोलना है, एकदम डिस्चार्ज भी बोलना है। अभी गन गन साइन सब लिख दो साले, गन साइन बुलेट साइन भाई सब। ईडीमा चालू करो, किमोसिस प्रोपोसी नहीं, किमोसिस प्लूरानी में ईडीमा क्रिएटिव पेस्वेट उसमें इवेटिवेट है यार। गांगुली गांगुली अगर ऐसा आ जाए ना बुक गाड़ भी भाई, बस करो भाई, बस करो, कम पढ़ो, दिखाओ क्या पढ़ रहे हो, क्या है? एंथमी वगैरह टाइटस। अरे वाह, अरे वाह, मानसू हाँ भाई, मुझे एडिट कर देना यार, मेरी गर्लफ्रेंड भाई चैनल देखती है भाई। छोड़ देगी क्या तुम्हें देखने के बाद? तो गाइस जो है कि पेपर हो चुका है, और पेपर जो है कि बहुत ही तगड़ा गया है एकदम। मतलब मेरा क्या, सभी का पेपर जो है कि आज अच्छा ही गया होगा, और जिसका अच्छा नहीं गया इसका मतलब वो पढ़ के नहीं गया था। पेपर जो है कि बहुत ही ज्यादा आसान आया था। क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं वाइटामिन एकदम सबसे लास्ट में पढ़ा था, वाइटामिन ए जीरोप्थैल्मिया, वो एकदम वो आ गया क्वेश्चन जो है कि एकदम देख के एकदम मजा ही आ गया था, और एकदम पेपर जो है कि तगड़ा गया है। और अब कल है ENT का, आज ऑप्थेल्मोलॉजी था, अब कल देखते हैं। और मैं ये ऐसा पहन के गया था, सभी लोग कह रहे हैं कि तुम एकदम पूरा सज धज के आए, लगभग 8-10 लोग टोक चुके हैं मुझे। अब कल से नहीं पहन के जाऊंगा, कल से कुछ नॉर्मल सा पहन के जाएगा। एक नया शर्ट खरीदा था, कुत्ते ने काट दिया, तो ये पहन के गया था। तब तक सुबह से इतने लोग जो है टोक चुके। अब कल दोपहर हम लोग जो है कि 1:30 बजे एग्जाम दे के आए लगभग, उसके बाद हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद सो गए।
दो बजे के आसपास, दो ढाई घंटे सोने के बाद 4:30 बजे से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी टाइम बज रहा है 9, तो अब हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, ताकि ये ना लगे कि केवल हम घूमते ही रहते हैं। MBBS वाले सबको यही लगता है कि घूमते रहते हैं, बहुत मज़े हैं। तो बता रहा हूँ कि वो हमारा घूमना फिरना एक जो है लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये जो हमारा मेन काम है पढ़ाई लिखाई, वो यही है हमारा काम। वो तो केवल 1% या फिर क्या है, 2-3% हमारी लाइफ का जो दिखता है वो है। आज का भी जो है कि पेपर हो गया, और आज का पेपर थोड़ा सा जो है कि टफ आया था, ऐसा सभी के लिए टफ आया था। MCQ थोड़ा सा लगभग किसी को ही नहीं आ रहा था, मतलब इतना टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन एवरेज कह सकते हैं, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, और बाकी सारा आ रहा था। और मैं एक क्वेश्चन जो है कि सुबह सुबह पढ़ के गया था, इसमें से ये वाला क्या नाम है कि सुबह सुबह जो क्वेश्चन पढ़ के जाओ और वो वही एग्जाम में आ जाए, तब तो उसकी अलग ही खुशी होती है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, सुबह ही उसका डायग्राम प्रैक्टिस करके गया था और देख के गया था अच्छे से, और वही क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में। और बाकी सब तो मतलब ठीक ही गया था। टॉन्सिल आया था, एडिनोडेक्टमी आया था। आज जो है कि FMT है, रात में जो है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जुकाम बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कोशिश किया जो लड़ते लड़ते 1:30 बजे तक पढ़ा, फिर सो गया, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रात में, फिर अभी कुछ बेटर फील हो रहा है। और आज का मौसम भी देख रहे हैं आप, बहुत ही खुशनुमा, रोज़ धूप हो जाती थी, आज अभी तक धूप नहीं हुई। अभी बज रहे हैं 8:30 से 9 बज रहे हैं, तब भी अभी धूप नहीं हुई है। जैसा मौसम है वैसा ही पेपर आ जाएगा सर। आज जो है PSM का एग्ज़ाम था, और पेपर अच्छा गया था मतलब। और पिछला पेपर जो है कि FMT का था, जो चलते पेपर, मेरी जो तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी, एलर्जी जो है कि मुझे है तो इतनी ज़्यादा होने लगी कि मतलब मुझे इन्विजिलेटर से कह के दवा मंगानी पड़ी, तो उन्होंने दवा मंगाई, तो मैंने खा के फिर जो है कि एग्ज़ाम दिया। और अभी भी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी लग रही है, ऐसे खांसी जुकाम अभी भी लग रहा है। तो कल PSM का, आज PSM का था, तो कल भी जैसे तैसे दवा खा के और पढ़ाई करके दिया था। और आज जो है कि कल एग्ज़ाम नहीं है, मतलब कल संडे है, तो एक दिन का हमें गैप मिल गया PSM का पेपर फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो थोड़ी सी राहत हो गई है। इसलिए अभी जो है कि सो के उठाऊँ, बहुत ही अच्छी नींद आई है, 2-2.5 घंटे सोया था, बहुत तगड़ा एकदम मज़ा आ गया। पॉली पॉली उठो गे भाई, एग्जाम आज खत्म हो गया, उठेंगे ही नहीं। विश्राम कर रहा है, एग्जाम के बाद। एक दिन का गैप मिला, अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ, अभी एक पेपर बचा है भाई, पढ़ना है उसके लिए भी। ये भी देखो मजे ले रहा है। क्या भाई, केसी कहाँ चला गया? केसी कहाँ गया? एकदम आज चैन की नींद फरमा रहे हो भाई। क्या भाई, क्या कर रहे हो? बर्तन धो रहे थे। पढ़ नहीं रहे हो क्या भाई? चाय पड़ेगा भाई। अरे भाई भाई। भाई मैं देखने आया था भाई, आज जैसे एग्जाम खत्म हो गया तो कौन क्या कर रहा है, ज्यादातर लोग तो सोए हुए हैं भाई। नहीं सो नहीं रहे थे, थोड़ा बाहर ये बर्तन वर्तन 2-3 दिन का था, वो धुल रहे थे। क्या कर रहा हो? सब नींद फरमा रहा भाई, पढ़ नहीं रहे हो क्या? एग्जाम भाई कल, अभी एक पेपर बचा है, माधव चौथ खत्म नहीं हुआ, एक पेपर 26 हो रहा है। अभी जो है कि 2 दिन बाद पेपर है, मुझे लग रहा था कि एक ही दिन का गैप है। अब जो है कि कल रविदास जयंती है, तो उसके वजह से कल छुट्टी है, और उसके बाद संडे है, अब फिर मंडे को एग्जाम होगा। मुझे लग रहा था कि एक ही दिन का है, तो आज जो है कि पढ़ाई नहीं चलेगी, आज चलेगी चिल्लम चिल्ली चलेगी भाई, आज मजे करेंगे बस। क्या भाई पोली, रील देख रहे हो तुम? बोलो, आज लास्ट पेपर है ना, आज हिमन तुमको कैसा लग रहा है? ए भाई संडे ले लो क्या, सुपर बनाओ, एक बड़ी विद्या भाई को बनाओ भाई, विद्या भाई बाबू साले। बोलो भाई, आज लास्ट पेपर तू मतलब आज फटरी नहीं तुम्हारी, आज चिल होगा, आज पार्टी की जाएगी पेपर के बाद।
डील हुआ था डील और है भाई एक तुम्हारा वीडियो फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हुआ था, इस बार भी हो जाए थर्ड ईयर में। कुछ बताओ मतलब कि कैसे एग्जाम के टाइम कैसे क्वेश्चन पूछना होता है, अगर मान लो टीचर आ जाए और टीचर को पता भी ना चले तुम ऐसा मतलब कैसे क्वेश्चन पूछोगे? इसके लिए सबसे विधिवत जो तरीका है, नहीं जो सबसे विधिवत तरीका है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, वो रात में पहले ही फर्रा लेके चले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फर्रा निकालने का उचित समय क्या है? उचित समय एग्जामिनर के घूमने के बाद, एग्जामिनर के घूमने के बाद कॉपी देते ही चार्ज हो जाना है, रख लेना है, और कैसे प्रिंट करना है कि कॉपी और पेपर के बीच में फर्रा फंसा लेना है, धीरे 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 सरकाते रहना, लिखते रहना, सरकाते रहना, लिखते रहना, नजर नहीं उठाना है, उठाना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि टीचर जस्ट आपके बगल में आके खड़ा हो गया और आप फर्रा लिए हुए हैं, तो उस समय आपको कैसा रिएक्शन देना है? मतलब सरकाते रहना है, एकदम ऐसे रखे रहना है, इसके ऊपर पेपर, इसके नीचे कॉपी, ऐसे प्रिंट आउट, और एक बार में चार लाइन देखना है ताकि टीचर को शक ना हो कि आते ही रुक क्यों गया। एक बार में चार लाइन आपको देखना है। और इसके लिए मान लीजिए, नहीं मान लीजिए कि आपके फर्रे से जो है कि क्वेश्चन नहीं आया, तो आप उसके उस परिस्थिति में, और आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, फर्रे में भी नहीं आया, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में पहले अपने जो इष्ट देवी देवता है उनका नाम लीजिए, अपने आप को मानसिक तौर पर संतुलित कीजिए, और ये कहिए कि 3 घंटा बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उठना नहीं है, मिलेगा, नकल नहीं मारना है, मिलेगा नहीं, नकल के ही भरोसे अब चलना है। अपने मन को समझा लेना है कि 3 घंटा यही व्यतीत करके जाऊंगा, चाहे जो हो, कापी शादी जाए जाए, लेकिन 3 घंटा बैठूंगा, कहीं से तो आएगा। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, मिलता है। सही बात है, एकदम एक्सपीरियंस बोलता है मिलेगा। कन्हैया बताएंगे, कन्हैया तो फर्रा बनाने की जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है बताएंगे। कैसे आप फर्रा बना के ले आते हैं और हर फर्रे एकदम, अब ये पूरी तरीके से चिड़ियाघर में बदल जाएगा हॉस्टल अपना वापस। क्या भाई ये लोग बड़े भाई पेपर तुमने सुनने, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया भाई? बहुत अच्छा हुआ भाई, बड़े भाई वीक से वीक काबिल हैं। अरे यार भाई पार्टी बनता भाई, पार्टी तुम तो मेरे में थे ना। हाँ यार प्रैंक हो गया क्या तुम लोग के साथ? एग्जाम अब जो है कि खत्म हो चुका है, लास्ट एग्जाम था, और एग्जाम खत्म होने के बाद जो है कि लौंडों को सिर्फ एक ही काम रहता है, एक तो सोना और दूसरा खेलना, तो अब जा रहे हैं खेलने क्रिकेट। ये है हमारा क्रिकेट ग्राउंड, अभी आज जो है कि लौंडे कम है क्योंकि कुछ लोग जो है कि सोने का प्लान बनाए होंगे, और जिनको अंदर जो है कि खेलने का कीड़ा है वो आज खेलेंगे। गड्ढा मिल गया, चिल्लो है सपेरा, अरे गड्ढा मिल गया, गड्ढा